Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you're watching me on the channel for TYS. So here it is 21st of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first news is Supreme Court gives Bhushan time to reconsider statement. अभी आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर चल रहा है भूषण पर जो कि जस्टिस है और जस्टिस अरुण मिश्रा का ये स्टेटमेंट है कि ही माइट हैव डन अ लॉट ऑफ गुड बट ही शुड नॉट क्रॉस द लक्ष्मण रेखा. इट मींस देखिए बेसिकली हुआ क्या है, उनका किसी स्टेटमेंट को लेकर के जो कि चीफ जस्टिस पर स्टेटमेंट कर दिया उन्होंने जो कि कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वो बनता है और उसके बेसिस पर उन पर काफ़ी लास्ट फ्यू डेज से काफ़ी इश्यूज़ भी चल रहे हैं. उनको इस संदर्भ में काफ़ी जो है इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशंस भी हैंडल करने पड़ रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ रहा है. और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का अब कि भूषण को ये जो है करना चाहिए कि उन्हें ये चीज़ सोचनी होगी. दे हैव टू थिंक, दे हैव टू रिकन्सिडर, दे शुड रिकन्सिडर द स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण जी से उन्होंने ये बात की 2 or 3 days टू रिफ्लेक्ट ऑन. आप 2 या 3 दिन लीजिए जैसे कि आप इस पर रिफ्लेक्ट ऑन कर सकें एंड पॉसिबली मॉडिफाई द स्टेटमेंट. और जो स्टेटमेंट आए आपने दिया है उससे थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए. वहीं सिविल राइट लॉयर प्रशांत भूषण का ये कहना है थर्सडे को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पेंड नॉट बिकॉज आई मे बी पनिश्ड बट बिकॉज आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड. मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है, मुझे इस बात का दुख है कि मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया है. एंड ही कन्वेड हिज शॉक एट बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ माउंटिंग अ मलिशियस एंड स्करिलियस जैसे कुछ जो वर्ड्स उनके लिए यूज़ लिए गए उन पर उन्होंने काफ़ी शॉक्ड फील किया है. एंड इवन ही इज़ फीलिंग लाइक आई हैव बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट जस्टिस दैट ही इज़ गिविंग हिज 100% बट बिकॉज ऑफ जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट दैट्स व्हाई वी सेड एंड दैट्स व्हाई आर एल्डर सेड वी ऑलवेज जस्ट थिंक अबाउट वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट और सेइंग. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट इज़ फारूक अलाउड टू मीट NC लीडर्स. इट वॉज फर्स्ट मीटिंग आफ्टर 5th of August 2019. जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे और जो मुद्दा सॉर्ट आउट किया गया था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ये पहली मीटिंग है जिसके तहत सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने इस मीटिंग को अटेंड किया. एंड प्रेसिडेंट जो है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला उनके रेजिडेंस पर श्रीनगर में. इट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीनियर NC लीडर एट डॉक्टर अब्दुल्लाज हाउस एंड आफ्टर August 5th, 2019 व्हेन द सेंटर रिमूव्ड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड डिटेन मोस्ट ऑफ द रीजनल लीडर्स. ओके, ऑल पार्टी मीट डॉक्टर अब्दुल्ला टोल्ड मेडी पर्सन्स एट हिज गुपकर रोड रेजिडेंसी दैट ही हेल्ड अ मीटिंग विथ NC जनरल सेक्रेटरीट अली मोहम्मद सागर. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट दैट दे मेट अगेन आफ्टर द 5th August. फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेन डॉक्टर अब्दुल्ला मीट एवरी इंडिविजुअल एंड दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ NC लीडर्स एंड इट वॉज एट द रेजिडेंस ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला. ओके, and they showed their concern about Mehbooba Mufti and he said that I am concerned about her prolonged detention. We do not see her free and other leaders of Jammu Kashmir. Okay, so it is all about the Jammu Kashmir's party operations, or I can say the situations of political situations of Jammu Kashmir. The next is Namath Basai. बिग हिट एमंग केरला ट्राइबल चाइल्ड. केरला ट्राइबल चाइल्ड के लिए ये बनाया गया है और नमत बेसाई जो है व्हाट इट इज़ द केरला गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे कि अपनी मदर टंग जो है बच्चों को सिखाई जा सके. नमत बसाई इट इज़ अ गवर्नमेंट्स यूनिक प्रोग्राम फॉर टीचिंग द ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर नॉट अदर लैंग्वेज. दे शुड बी स्पीक इन देयर नेटिव, आई मीन आई कैन से मदर टंग. दे शुडंट यूज एनी अदर लैंग्वेज टू गो थ्रू. ओके, द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाई दी शक्तिवेल केरला. इट इज बेसिकली ही हैज़ सक्सीडेड इन एंटरटेनिंग
hundreds of tribal children in their online classes, making them feel at home with the language of instruction. Even वो जो online classes देते हैं उसमें भी उनकी जो language वो use लेते हैं वो native language, मतलब mother tongue होता है. So ये उनके लिए काफ़ी supportive है. Education department भी उन्हें काफ़ी support कर रहा है, other departments भी support कर रहे हैं, जिससे कि एक particular area का एक particular section, और वैसे भी south की side, अगर south India की बात की जाए तो we know very well they are very very prompt and very very concerned about their mother tongue and their regional languages. So somewhere they are concerned about it, and उसी के संदर्भ में केरला में इस तरह का इनिशिएटिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव एट ऑल, जिससे कि उनकी लैंग्वेजेस जो है उनको तवज्जो दी जा सके और वेस्टर्न कल्चर को से जो है प्रभावित होकर आजकल के चिल्ड्रन जो ओवरऑल जो है इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इन लैंग्वेजेस की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है, उनको भी अपनी मदर टंग, अपनी नेटिव लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिल सके. ओके, द नेक्स्ट इज़ इंडिया चाइना होल्ड फ्रेश टॉक. इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, सेंटर का कहना है. जो गैप्स दोनों के बीच में है उनको रिमूव किया जाएगा. दोनों ने एक दूसरे को समझा है और बहुत आउटस्टैंडिंग मीटिंग रही है, और जो अब तक जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, उन सबको रिजॉल्व करने की इस मीटिंग में बात की गई है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. तो जो भी गैप्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में आ रहे हैं उन्हें भी ईजीली सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. इंडिया चाइना की मीटिंग थर्सडे को हुई है, एंड राउंड टू बॉर्डर टॉक्स हुई है ये, जिसके अंदर जो है LAC से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को और डिसएंगेजमेंट, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात की गई है, और दोनों कंट्रीज, दोनों जो जो हम कह सकते हैं आर्मीज़ हैं, मिलिट्रीज हैं, उन दोनों ने अपने आप को रेडी कर लिया है इस चीज़ के लिए, और बातचीत के दौरान ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. थर्सडे की टॉक से ऐसा लगता है, थर्सडे की जो टॉक थी बेसिकली फोर्थ मीटिंग थी, और उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन बैठा है, और इस कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा जो है देखने को मिलेगा. ओके, अगेन कल जो है सर्वे जो हुआ था क्लीनेस्ट सिटी और कंट्री को लेकर, क्लीनेस्ट सिटी और स्टेट को लेकर, उसके PM नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो रिजल्ट्स है वो कल अनाउंस किए हैं इवनिंग के अंदर, और उसके रिजल्ट्स आए हैं. आप देख सकते हैं कि अगेन जो है हम बात करें तो इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी, अगेन फोर्थ टाइम जो है वापस इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, एंड स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो हाउसिंग मिनिस्ट्री और यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने जो ये पूरा डेटा रिलीज़ किया है उसके तहत फर्स्ट जो नंबर पे है क्लीनेस्ट सिटी के अंदर वो है इंदौर. ओके, उसके अलावा जो स्टेट्स हैं ये देखिए आप देख सकते हैं, स्टेट्स जो टॉप कर रहे हैं, टॉप क्लीनेस्ट सिटी इज़ स्टेट इज़ छत्तीसगढ़, दैन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड बिहार. वेयर इज़ जो माइनस में जो चल रहे हैं, मतलब बहुत जिनकी वर्स्ट कंडीशन हो रही है, इट इज़ ऑल अबाउट झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल, गोवा, इट इज़ ऑल अबाउट इट. ओके, सो इस तरह आप देख सकते हैं कि फिर इस बार जो है टॉप पर रहे हैं इंदौर, टॉप पर आया है इंदौर, एंड काफ़ी अच्छा इनका डेटा रहा है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, इट मीन्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, ड्राफ्ट होने जा रहा है श्रीलंका का. यस, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि प्रेजिडेंशियल पावर्स को रीस्टोर किया जाएगा, और श्रीलंका विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जेटिसनिंग दी 19th अमेंडमेंट पास्ड इन 2015. 19th अमेंडमेंट जो 2015 में, सो द प्रेजिडेंशियल पावर्स और जो पार्लियामेंट्री प्रेजिडेंट जो है राजपक्षा, गोटाबाया राजपक्षा ने कहा कि प्रेजिडेंशियल पावर्स जो है उनको रिस्टोर किया जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर चेंज की जाएगी. श्रीलंका पोडुजनम, सॉरी या पेरामुना along with its allies secured an impressive 2/3 majority. Okay,
So it is all about the new constitution of Sri Lanka, which will be to be drafted. Okay. The next news is a losing proposition. It is an editorial article. India has seen many versions of the son of the soil. Son of the soil jo hai mitti ka beta ke. काफ़ी सारे वर्जन्स देखे हैं ऑलरेडी इंडिया ने. आर्ग्यूमेंट्स ओवर डिकेड्स. मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान अनाउंस दैट ओनली दोज डोमिसाइल्स देयर वुड बी एलिजिबल टू गवर्न. देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये और बहुत अच्छा डिसीजन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया. शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि अब से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स जॉब हैं वो सारी जॉब सिक्योर होगी सिर्फ मध्य प्रदेश के ही एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए. मध्य प्रदेश के बाहर के कोई भी पर्सन को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. बाहर के किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी. इवन यू आर नॉट अलाउड टू फिल एज अ चॉइस इन मध्य प्रदेश इन एनी बैंकिंग और अदर एग्जाम. सो इट इज़ ऑल अबाउट द लूजिंग प्रपोर्शन. Okay, so the next here what he said, it denotes a certain mainstream of nationing. Mr. Chauhan's announcement was packaged as a promise to the youths of the state. ये जो चीज़ है, ये जो statement उन्होंने दिया, ये as a package announce किया गया है और वहाँ की यूथ के लिए. लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोमिसज हैं, नहीं, ये रियलिटी है. इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये जो है बहुत ही, आई कैन से इवन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है. लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी हैं. बिकॉज समवेयर जो है बाहर के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए एमपी में जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करने का. और एमपी के जो है ऑफिशियल्स या हम कह सकते हैं उस पोजीशंस को भी मौका मिलना चाहिए कि वो बाहर के किसी टीचर या लेक्चरर जो है, सॉरी, बाहर का कोई इंडिविजुअल जो है उसको कर सके, उसके उसकी प्रेजेंस को फील कर सके, है ना. In fact, it can aggravate the crisis by creating a hostile environment to investment, growth and employment generation. Investment, growth और employment generation के लिए थोड़ी hostile environment create कर सकता है और उसके लिए crisis create किया जा सकते हैं. So it is all about it. ये पूरा जो situation बताई है यहाँ पे, इसमें positive और negative दोनों aspect बताए हैं कि कैसे जो है ये, इसकी क्या बात कही जा रही है. बेसिकली नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है यहाँ पे कि किसी भी स्टेट द्वारा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर मान लीजिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स इस लेवल पे नहीं है जितने प्रोपोर्शन पे सीट्स रिक्वायर्ड है, तो समवेयर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना. और अगर ऐसा है कि पॉजिटिव पर्सनस या पर्सनस अवेलेबल हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रिड्यूस कर देता है ना. तो इट इज़ ऑल अबाउट इज नेटिविज्म की जो भावना है वो क्रिएट हो जाती है. और नेटिविज्म जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है अगर आप इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाह रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस को कम करना चाह रहे हैं. तो नेटिविज्म इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू गो फॉर, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दिया गया है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज लेस टैक्सिंग. स्टैंडर्डाइज रिक्रूटमेंट टेस्ट इज एन एडवांस बट मोर जॉब्स आर नीडेड. यूनियन कैबिनेट ने जो NRA जो बनाया है, एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सेट के एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, CET कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करेगी. तो उसके लिए यहाँ पे बात की गई है दैट टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर नॉन गजेटेड जॉब्स के लिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ कैंडिडेट्स टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर RRB, SSC एंड IBPS इज अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म मेजर्स. हम उसे वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा है ये पूरा जो प्रोसीजर है, काफ़ी अच्छा बताया गया है, काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है. For some years now, the railway have been using contractual labor in projects and services, but government system remains a major recruiter. In March this year, Railway Minister Piyush Goyal told Parliament that 4 employment notifications for Group C employees in the country ministries were issued. And it was for the post of 1.43 lakhs, besides a similar number selected the previous years. Overall, the post coming under the ambit of the proposed NRA
वुड कवर अबाउट 1.25 लाख जॉब्स अ ईयर. एक साल में करीब एनआरए के तहत जो जॉब्स आएंगी जिन्हें कंडक्ट करना है वो 1.25 लाख अप्रॉक्स हो जाती है. तो अगर उसके बेसिस पे बात करें तो 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स होते हैं. तो गवर्नमेंट के लिए अलग अलग कंडक्ट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग चीज़ें कंडक्ट करना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसलिए उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिक्रूट किया है या बनाया है. बट हेयर इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट इस लेवल पे, इस पोजिशन पे आकर के ये स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है ये थोड़ा सा एडवांस है ना. लेकिन और भी जॉब्स की नीड है. 2.5 करोड़ लोग अगर 1.25 लाख जॉब पोजीशंस के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंसिंग हो जाता है. बट हेयर इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे ये आगे वर्क करेंगे, किस तरीके से आगे सिचुएशन चलेगी, एनआरए कैसे मैनेज करती है सारी चीज़ों को, और कैसे जो है लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सेशन में आगे देखने को मिलेगी. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, द लीडर्स वी नीड इन टूडेज वर्ल्ड. आज की डेट में हमें जैसे लीडर्स चाहिए, आज के विश्व में जैसे हमें लीडर्स चाहिए, उनकी यहाँ पे बात की गई है. टॉर्मेंटेड वर्ल्ड शेकन आउट इट्स कम्फर्ट बाय अ पैंडमिक. पूरे पैंडमिक जिसके कारण जो अपना कम्फर्ट जोन था हम उससे बाहर आ चुके हैं, और मतलब बिल्कुल हम शेक हो चुके हैं, हिला कर रख दिया है पूरे विश्व को, है ना. और इन सब के चलते काफ़ी ह्यूमैनिटीज़ कलेक्शन कैपेसिटी टू प्रिवेल देखी गई है. And yearns to for answer about our common future and glaring and persisting the inequalities of the world order accentuated by the virus and the digital divide foretell the story of the failed leadership and failed realization of the millennium development goals. The question of the leadership befitting the moment was therefore seldom more relevant. History beckons us once again to summon leadership that can navigate the happy and secure future for all. So somewhere this is the fact that we need the true leaders that can work towards the world. And in this time when we see the leaders and we see the situations that are going through, we actually need the leaders according to today's world. We are having the leaders that are following the past procedures, but for this time we need the new leaders at all. The existential questions of the day magnify the importance of leadership committed to a liberal, inclusive and egalitarian orders. Okay, the true leadership, integrity, consistency, empathy and relentlessness, determination, self effacing humility, sorry it was not visible for me, and binding moral compass and ability to motivate masses within the okay. या इट इज़ अ गुड थिंग. ये जो आर्टिकल है ये पूरा बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह की लीडर की ज़रूरत है. हम जो एक बहुत पुराने ढर्रे पे चले आ रहे जो लीडर्स हैं जिनको यही सिखाया जाता है कि कैसे पुरानी चीज़ें मैनेज होती थी और हमें भी वैसे ही करनी है, तो हमें उन चीज़ों से बाहर आकर उन लीडर्स की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों से बाहर जाके आज की जो पोजीशन है, आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कंसिडर करते हुए वर्क करें. और इसके बारे में, इसकी कमी या इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब रिसेंटली हमने पेंडेमिक को फेस किया. ओके, सो दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस. आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे क्लिक हो रही है, कैसे चीज़ें रिक्वायर्ड है, किन लीडर्स की रिक्वायर्ड है, और अभी जो लीडर्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो लीडर्स होंगे वो कैसे वर्क करेंगे अगर पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया जाता है तो. ओके, द नेक्स्ट इज़ द मैरिज एक्ट मिसकंसेप्शन. मैरिज एक्ट जो है उसकी मिसकंसेप्शन की यहाँ बात की गई है. एड्रेसिंग पॉवर्टी इज़ द की ऑफ इम्प्रूविंग the health and nutritional status of mothers and their infants. Poverty जो है वो एक address, poverty को address करना अपने आप में एक key feature है जिससे कि health और nutrition जो है mothers और infants की, mothers और उनकी उनसे related जो infants हैं उनकी, तो उनके nutritional और health status को ठीक करने के लिए जो है poverty को address करना ज़रूरी है. This is the key for it. From the rampart of the Red Fort on Independence Day, Independence Day पे जो है legal age जो है marriage rights की girls की, उसे address किया गया, which is currently 18
सीनियर जो कि अभी 18 ईयर्स है, उनका ये कहना था ही वी हैव फॉर्म्ड अ कमिटी, हमने एक कमेटी बनाई है एंड टू इंश्योर दैट डॉटर्स आर नो लॉन्गर सफरिंग फ्राम मेल न्यूट्रीशन, डॉटर्स जो है वो माल न्यूट्रीशन को ज़्यादा सफ़र ना करें और उनकी शादी भी सही एज में हो, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, वो इस पर वर्क करेगी और हम एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। देखिए बहुत लंबे टाइम से ये डिसीजन चला रहा है, पहले 16 ईयर्स थे, फिर 18 ईयर्स हुए, उससे पहले 21 ईयर्स हुए, फिर अगेन 18 ईयर्स हुए और अब ये डिमांड की जा रही है कि जब लड़कों की 21 है तो लड़कियों की एज को भी 21 कीजिए, बिकॉज 18 की एज में अगर शादी हो जाती है तो लड़कियाँ उस समय उतनी मैच्योर नहीं होती जितना उन्हें होना चाहिए। फिजिकली मैच्योर होना इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आपको मेंटली मैच्योर होना, मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है और 18, 19, 20 इस एज के अंदर जनरली गर्ल्स जो है वो एक पीक पर होती है जिस समय वो मैच्योर हो रही होती है और उसी बीच में अगर उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है जो बिल्कुल अलग है उनकी, उनको अपने घर से किसी और घर में शिफ्ट होना है या बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनका मेंटल स्टेटस जो है वो इफ़ेक्ट कर जाता है ना। तो वो जिस तरीके का रिफॉर्मेशन उनके माइंड में हो रहा होता है वो सब उस नेगेटिविटी से क्रिएट हो जाता है जो उनको आने वाले टाइम में देखने को मिलती है ना। तो ये आर्टिकल पूरा उसी पर बेस्ड है और गर्ल्स की यूटिलिटी, गर्ल्स की जो फर्टिलिटी रेट्स है जिस तरीके से गिर रही है, गर्ल्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है माल न्यूट्रिशन एंड अदर इश्यूज, कैंसर्स एंड हेल्थ लेसेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें इस पूरे आर्टिकल में बताई गई है कि मैरिज एज को लेकर जो मिसकंसेप्शन है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। और एज इज़ नॉट द फैक्टर, बेसिकली द फैक्टर इज़ अबाउट द गर्ल्स, द सिचुएशन, हाउ वी आर हैंडलिंग द गर्ल्स एंड द सिचुएशंस, ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट। सो आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई ये चीज़ें और नहीं भी आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे एंड सेट को लेकर मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगी, आज इवनिंग तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग योर टाइम, कीप एन्जॉइंग योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम हैड।